आपका आप IAS के हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चार आर्टिकल हैं, है ना, जिसमें से यदि हम देखते हैं कि पहला आर्टिकल है कि अपने प्रतिभा को पहचान जैसी बातें हैं कि प्रीतिश नंदी जी का आर्टिकल है। हालांकि ये आर्टिकल जो है तो पॉलिटिकल आर्टिकल, कुछ पॉलिटिकल व्यू पे इन्फ्लुएंसड है, बट यहाँ पर से तो हमें जो है तो पॉलिटिकल व्यू तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम इसको पॉलिटिकल व्यू को इग्नोर करते हुए जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने के, काफ़ी इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, तो उसको हम लोग मतलब कि देखने के यहाँ प्रयास करेंगे ना। जैसे भी ये नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है, तो इसमें किस प्रकार से जो है तो इसको अभिजीत बनर्जी जी को किस प्रकार से ज़्यादा मतलब कि लेफ्टिस्ट माना गया है ना, दक्षिणपंथी लोग इसने वामपंथी करार दे रहे हैं ना, तो इस प्रकार से यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर से टैलेंट को तवज्जो ना देकर के विचारधारा है जो है आइडियोलॉजी को टकराहट देखने को मिल रही है ना, तो विचारधाराओं से जो है तो योग्यता या टैलेंट जो है तो छिप सा रहा है। तो इससे संबंधित ये आर्टिकल जो है प्रीतिश नंदी जी इस बारे में काफ़ी कुछ मतलब क्वेश्चन रेज भी करते हैं, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। वही अपना नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल है निर्यात योजना का अभाव है ना। तो ये आर्टिकल यदि बात करते हैं तो अभी जैसे कि हाल ही में जो यदि हम बात करें कि सरकार ने जो एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए अपने जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो एक समिति उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, तो उसकी जो ये आर्टिकल जो है तो उस समिति की जो रिपोर्ट में सिफारिशें की गई तो उसके बारे में डिस्कस करता है ना। ये सुरजीत भल्ला जी की उस पर मतलब कि समिति जो गठित हुई थी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहीं हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है तो वृद्धि या गरीबी और नोबेल पुरस्कार, तो ये भी आर्टिकल जो है तो है, तो ये नोबेल जो अभी नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला है अभिजीत बनर्जी जी को, तो उसी पे जो है तो कुछ बैकग्राउंड में भी जाता है कि आखिर ये जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है तो ये अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग क्षेत्रों में है ना, वहाँ पर किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है, कितना ज़्यादा कारगर होता है, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं अपने लास्ट आर्टिकल जो होगा तो ये है जयंतीलाल भंडारी जी का आर्टिकल, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन्होंने महज कारोबारी सुगमता का बढ़ना काफ़ी नहीं, यानी कि ये भी जो है तो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड आर्टिकल है, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज भी जो अपने पूरे के पूरे आर्टिकल हैं तो ये जो है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यू भी आपके क्रिएट करेंगे। और वहीं जो थी पेपर इनको आप जो थी इनको पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, है ना। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, तो जैसे कि बात करते हैं कि जी पहला आर्टिकल जो है आलोक सिल जी का आर्टिकल है, तो उन्होंने जैसे बताया कि वृद्धि आय गरीबी और नोबेल पुरस्कार इससे संबंधित आर्टिकल है। तो जैसे इन्होंने यदि बात करते हैं कि जैसे अभी हाल ही में 2019 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर को दोनों तीनों को संयुक्त रूप से मिला है, तो ये पुरस्कार जो है तो एक प्रकार से नियंत्रित बेतरती परीक्षण के प्रयोगात्मक कार्य के लिए दिया गया है ना, जिसने एक प्रकार से दुनिया भर में गरीबी से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो यदि बात करते हैं कि महज 2 दशक में इस नए प्रयोग पर आधारित रुख ने एक प्रकार से विकासात्मक अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा बदलाव भी उत्पन्न किए हैं, और ये शोध जो है तो इसके क्षेत्र में काफ़ी एक प्रकार से इसे फल फूल भी रहा है ये शोध इसकी इसी आधार पर। तो उनके काम के केंद्र में कम लागत वाले हस्तक्षेप हैं जो ऐसे प्रायोगिक शोध से निकले हैं ना, जैसे कि बात करते हैं कि किस तरह से ये हस्तक्षेप कारगर है और कैसा कितना ज़्यादा कारगर है और कितना ज़्यादा कारगर नहीं है अलग अलग क्षेत्रों पे ये प्रयोग इनके जो हुए हैं ना। वहीं बात करते हैं जैसे कि इनके प्रयोग थे, हम लोगों ने इसको अपने पिछले आर्टिकलों में जब नोबेल से संबंधित डिस्कस किया था, तो इनमें उनके जो प्रयोग थे अभिजीत बनर्जी जी या नोबेल प्राइज़ जो वाले विजेता हैं, तो इन किस प्रकार से इन्होंने व्यवहारिक स्तर पर जमीनी स्तर पर जुड़े किस प्रकार से प्रयोग किए थे, कितने उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले थे, तो उनके उसी से संबंधित है कि यहाँ पास जो है आर्टिकल कुछ ज़्यादा मतलब समीक्षा करता है यहाँ पास, कि जैसे उन्होंने दालों को मुफ्त बांट करके किस प्रकार से जो है तो लोगों में टीके को प्रोत्साहित किया था, तो उसी से संबंधित जैसे कि यहाँ पास जो है तो ये टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों की आवक को किस प्रकार से सुधारा था ये जिनको प्रयोग थे, वहीं निःशुल्क मच्छरदानी वितरण से मलेरिया को किस प्रकार से उससे निपटने में कारगर रहा, वहीं रियायती दर पर बांटने में किस प्रकार से मतलब कि उनकी इसी प्रकार के जो शोध थे तो उसमें वो कितने कारगर हुए इसके बारे में ये आर्टिकल जो है तो थोड़ा डिस्कस करता है। अब ये बात करें जैसे कि उनका काम गरीबों की सहायता उन पर केंद्रित सरकारी योजनाओं पर व्यय होने वाली राशि को अधिक उपयोगी बनाने वाला है, लेकिन इस दावे पर जैसे यदि हम और बारीकी से इसमें नज़र डाली जाए तो उनके काम ने विकास अर्थशास्त्र में आमूलचूल बदलाव उत्पन्न किया है। यदि हम इसको 3 मोर्चे पर बात की जाए, इसको परखा जाए, तो ये देखते हैं जैसे पहला 2015 में अर्थशास्त्र को जो नोबेल मिला था
वो एंगस डीटन को मिला था, तो इसी काम के लिए उनको मिला था जिस काम के लिए अभी मिल रहा है अभिजीत बनर्जी जी लोगों को, है ना। तो वहीं यदि एंगस डीटन की बात करें तो उनका भी अध्ययन जो है तो गरीबी, खपत और लोक कल्याण पर ही फोकस था। तो ये बात तो मतलब कि यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि प्रायोगिक नियंत्रित बेतरतीब परीक्षण जो है तो वो डीटन के तरीके से बेहतर है या नहीं, है ना, या उनका काम किस प्रकार से विस्तृत उसका विश्लेषण करने की बात है। तो वही दूसरी बात की जाए तो ये प्राकृतिक विज्ञान में जो आजमाए जाने वाले जैसे वैज्ञानिक तौर तरीके हैं तो उनको सामाजिक विज्ञान में अपनाए जाने की पर्याप्त वजह है ना। जैसे ये एक प्रकार से जो व्यावहारिक अर्थशास्त्र है तो ये भी तो कुछ उसी इसी तरह से है ना, कि ये तो है वैसे जो विज्ञान का पोर्शन तो इसको सामाजिक विज्ञान में आजमाया जा रहा है, समाज में इस चीज़ को इम्प्लॉयमेंट जैसे कि इकोनॉमिक्स जैसे क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी वाली चीज़ों को एक प्रकार से इसको ह्यूमनिटी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो उसकी यदि बात करते हैं जैसे भौतिक जगत जिस तरह से प्राकृतिक कानूनों का अनुगामी होता है तो मानव विज्ञान के साथ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पास यदि बात करते हैं कि जैसे यहाँ पास कुछ मतलब बैकग्राउंड में बातें की गई जैसे कि सेब के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तो खारिज हो सकता है, लेकिन इंसानी मामलों में लोग अलग घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे, है ना। जैसे बनर्जी डफलो क्रेमर की जो शोध प्रवृत्ति और व्यवहारात्मक अर्थशास्त्री कास सनस्टेन रिचर्ड थेलर और स्टीवन लेविट के जो तरीके में काफ़ी ज़्यादा समानताएं तो देखने को मिलती है ना, उन्होंने भी ऐसा ही प्रयोगात्मक रूप अपनाया जो औषधीय मनोविज्ञान पर आधारित था जिसमें लोगों के वांछित व्यवहार का भी ज़्यादा अध्ययन किया गया था। जैसे स्कूल के बाहर वाहन धीमे करना है ना, कुछ उनके भी इसी तरह के प्रयोग थे जैसे अभी इन वैज्ञानिकों ने है ना, इन अर्थशास्त्रियों ने किए थे। तो यदि हम बात करते हैं कि जैसे व्यवहार अर्थशास्त्र जो है तो राजकोषीय गुणक सुधारने में तो नाकाम रहा है ना, ये ज़्यादा मतलब कि जो है तो राजकोष के इम्प्रूवमेंट के दृष्टिकोण से ज़्यादा सफल नहीं माना जा सकता है। ये रिचर्ड थेलर ने 2017 में उनको जो नोबेल मिला था तो उन्होंने जो है तो कर कटौती भुगतान की वजह से आय में एक प्रकार से स्थायी वृद्धि का जो भ्रम रचने की भी बात की थी। लेकिन यदि बात करते हैं कि सांस्कृतिक अंतर के कारण आय वृद्धि का लोगों पर अलग असर हो सकता है ना। जैसे कि देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जैसे हस्तक्षेप भी अलग अलग स्थान पर और समय पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। जाहिर है कि ऐसे में ये बात भी कभी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर बेतरतीब परीक्षण कहाँ और कब किए गए, है ना, इसके बाद ही उन्हें सफलतापूर्वक आजमाया जा सकता है। नहीं, हर चीज़ें हर जगह सफल नहीं हो सकती, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो हर जगह हर चीज़ें फिट हो जाए ना। वहाँ की पृष्ठभूमि, वहाँ की जो दिशा दशाएँ जो होती हैं तो कुछ भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरी बात यहाँ पास है जैसे कि बड़े स्तर पर बात करते हैं गरीबी उन्मूलन का सबसे तेज तरीका अब भी हो तो उच्च वृद्धि, निवेश और उत्पादक तथा रोजगार है। यदि बात करते हैं गरीबी उन्मूलन का सबसे ज़्यादा तेज तरीका है ये चार चीज़ें। तो अब यदि बात करते हैं कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देखें तो बीते 2 दशक में अत्यधिक गरीबी में बहुत ज़्यादा कमी आई है, ठीक है, और यह लगभग 30% से घट करके 10% पर अत्यधिक गरीबी आई हो गई है ना। अब यदि बात करते हैं कि ऐसी अवधि, ये जो अवधि है ये भी एक प्रकार से ऐसी स्थिति भी है कि जब उभरते हुए विकासशील देशों में जहाँ सबसे अधिक गरीब रहते हैं वहाँ भी विकास में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है ना। तो यदि हम बात करते हैं यदि इसका भी कंपेरिजन किया जाए तो 1999 से 2015 के बीच में जहाँ गरीबी में कमी की गति लगभग, ये जो गरीबी में कमी हो रही है तो वो 1981 से 99 की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब कहीं ज़्यादा तेज़ थी। चीन, भारत और सब सहारा अफ्रीका में भी गरीबी में काफ़ी ज़्यादा कमी के जो अंतर हैं उनको भी वृद्धि दर में अंतर से समझा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से यदि देखें तो ट्रिकल डाउन का सिद्धांत जिसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था तो वो यहाँ पास एक प्रकार से सही प्रतीत होती है। ट्रिकल डाउन थ्योरी तो लगभग आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिकल डाउन थ्योरी का प्रयोग कहाँ हुआ। इसको यदि हम हिंदी में बात करते हो अधोगामी निस्संदन सिद्धांत बोलते हैं सर। तो इसमें क्या होता है कि यदि जैसे मैकाले की शिक्षा नीति आई थी है ना, जब इसको मॉडर्न हिस्ट्री के उस पर देखे फिर हम इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे, तो जैसे कि उसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि जैसे कि वहाँ पास जैसे कम पहले ज़्यादा वो पैसे कुछ भी कह सकते हैं कि ज़्यादा कैपिटल ना होने के कारण है ना, क्या किया था उन लोगों ने इस ट्रिकल डाउन थ्योरी को अप्लाई किया था कि जो उच्च वर्ग हैं उनको शिक्षा दे दी जाए। तो यही शिक्षा जो है ना, उच्च वर्गों को शिक्षा देने के बाद जो बाकी के तबके जो निचले तबके हैं उनमें शिक्षा जो है तो छन छर कर पहुँचती जाएगी है ना निम्न वर्ग में। तो यही ट्रिकल डाउन थ्योरी है। तो यदि देखते हैं इसके थोड़ा ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, हालांकि इसकी जो थ्योरी है और रियलिटी है
उन दोनों में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पास थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो रियलिटी में इसमें एक प्रकार से फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट होती है ना। जैसे बात करते हैं कि यहाँ पास सिर्फ ट्रिकल डाउन थ्योरी की इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो जैसे ये कहती है कि जो बड़े अमीर लोग होते हैं तो उनके टैक्स में, मतलब कि उनके टैक्स कट कर दिया जाए, है ना, उनमें टैक्स मतलब कि कटौती की जाए। तो जब टैक्स कटौती होगी तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, और उससे जो है तो उद्यम भी ज़्यादा बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। उद्यम जब बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा निवेश भी बढ़ेगा, ठीक है, ये थ्योरी की पॉइंट बात की जाती है ना। जब निवेश बढ़ेगा तो उससे रोजगार के भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, जब रोज़गार बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी तेज़ी से, ऐसा ये थ्योरी कहती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। लेकिन क्रिटिसाइज इसे क्यों किया जाता था, क्योंकि इसकी रियलिटी कुछ ऐसी होती थी कि ये तो थ्योरी में काफ़ी मतलब कि इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया गया, लेकिन इसकी थ्योरी में ये होता था कि जैसे यदि टैक्स कट किए जाते हैं तो ज़्यादा क्या क्या होता है उससे कि लोग एक टेम्परमेंट ही होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, सेविंग की नेचर ज़्यादा क्रिएट हो जाती है ना, लोग जिस ज़्यादा सेव करने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि सेव करने के साथ साथ लोग ज़्यादा मतलब कि टैक्स हेवन की वहाँ पास अपना ज़्यादा मतलब कि पैसे को सेव करने के लिए ये काले धन ये वैसे चीज़ें ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कंडीशन ज़्यादा क्रिएट होने लगती हैं, है ना। तो लोग जो है तो जैसे कि स्विट्जरलैंड स्विस अकाउंट यहाँ पास जो है तो ज़्यादा मतलब कि टैक्स हेवन जो कंट्री है वहाँ पास अपने पैसे ज़्यादा सेव करने लगते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जितना ज़्यादा मतलब कि इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होगी तो एक प्रकार से बहुत बड़े तक बड़े लेवल पे आर्थिक असमानता देखने को मिलेगी, और आर्थिक असमानता मिलेगी तो जो ज़्यादा मतलब कर्ज का भार है तो गरीबों पे ज़्यादा बढ़ेगा, और जब कर्ज का भार गरीबों पे ज़्यादा बढ़ेगा तो जो हमारी इकोनॉमी है तो बहुत ही स्लो डाउन एक प्रकार से हो जाएगी, बहुत धीरे गति से बढ़ेगी, और एक प्रकार से फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो यही ट्रिकल डाउन थ्योरी थी। तो यहाँ तो इस कंडीशन पे बात करते हैं, इसी जो है तो प्रति व्यक्ति आय और अत्यधिक हम उस पर यदि बात करते हैं कि व्यावहारिक अर्थशास्त्र की बात की जाए तो इसे प्रति व्यक्ति आय और अत्यधिक गरीबी के बीच के आपसी संबंध से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि 2015 में जो है तो कम आय वर्ग में अत्यधिक गरीबी लगभग 43.9% थी, है अत्यधिक गरीबी याद रखिएगा 43.9% थी, और निम्न मध्य वर्ग में 13.9% थी, और उच्च मध्य वर्ग की बात की जाए तथा उच्च वर्ग में बात की जाए तो दोनों में क्रमशः 1.7% और 0.7% थी। हालांकि संकेत ऐसे भी कि जस्ट ट्रिकल डाउन का जो असर है उच्च और उच्च मध्य आय वर्ग वाले देशों में कहीं बेहतर है ना, जबकि निम्न मध्य आय और निम्न आय वाले देशों में कम है। हालांकि जैसे वियतनाम और भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा ये अलग तो नहीं है, लेकिन वियतनाम में प्रति व्यक्ति आय न केवल काफ़ी कम है बल्कि वह तो उच्च मध्य आय वर्ग वाले जो देश ब्राज़ील से तुलना की जाए तो उससे भी कम है ना। यहाँ तक कि अत्यधिक गरीब के मामले में नेपाल भी जो है तो भारत से काफ़ी अच्छी स्थिति में देखने को मिलता है। अब अत्यधिक गरीबों को लेकर के ऐसे मतलब कि अलग अनुभव बताते हैं कि वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय तथा अत्यधिक गरीबी के बीच का जो रिश्ता है तो निम्न मध्य आय और अल्प आय वाले देशों में कारगर नहीं है ना, यानी कि ये ज़्यादा यहाँ पास सक्सेस नहीं देखने को मिल रहा है। नोबेल विजेता द्वारा जो किए गए हस्तक्षेप जैसे नीतिगत हस्तक्षेप हैं इन देशों में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए कि उच्च आय और उच्च मध्य आय वाले देश जो हैं तो उनमें ध्यान ज़्यादा गरीबी से सामाजिक गरीबी और असमानता की ओर स्थानांतरित हो गया है। तो वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी जो है सन 1990 के 35.9% से घट करके 2015 में 10% तक रह गई है ना। देखते हैं कि सामाजिक गरीबी जो है, सामाजिक गरीबी के आंकड़े की बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार लगभग प्रति व्यक्ति यदि $5.5 से कम है तो सामाजिक गरीबी के उस पर आ जाते हैं, यानी इसका ये सीमा है, बॉर्डर लाइन है। तो ये जो है तो तब 67% से घट करके केवल 46% पर आ गई है ना। सामाजिक गरीबी की बात की जाए 46%। तो इस प्रकार देखें कि आधी दुनिया तो गरीब ही है ना। तो वृद्धि ने तो सुधार तो किया लेकिन असमानता, चूँकि जैसे कि बात करें कि अत्यधिक गरीबी के मानक जो हैं तो नीचे ही हैं, इसलिए इसमें तेज़ी से गिरावट आई है। तेज वृद्धि के जो असमान जैसे बात की जाए तो तेज वृद्धि से क्या है कि असमानता में बहुत तेज़ गति से इजाफा हो गया है ना। ऐसे ऐसे देशों में सामाजिक गरीबी और असमानता कम करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की भी ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पर जैसे नियंत्रित बेतरतीब परीक्षण का प्रयोग क्या किया जा सकता है क्या, है ना। ये तो यहाँ पास ये बात करते हैं कि हमने जैसे कि इनके बारे में बात की जाए, है ना, यदि बनर्जी डफलो क्रेमर के महत्वपूर्ण काम है तो इनको सीमित करने के हिसाब से तो नहीं, लेकिन बात करें कि जो नोबेल समिति द्वारा इनका जैसे चयन हुआ है तो हालांकि इसकी तो वो पुष्टि करता है उनके सिद्धांतों की, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं,
लेकिन इस बात की जाए तो इन शोधकर्ताओं ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भी इस चीज़ को, ये जो विषमताएं देखने को मिलती है, तो इनको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है ना। तो ऐसे मतलब कि हस्तक्षेप जो है तो सर्वाधिक गरीबी के जीवन में सुधार कर सकते हैं और सामाजिक गरीबों के मामले में भी एक प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु ये हम बात करें कि कोई मतलब कि एक एक किस्म कोई भी ज़्यादा मतलब परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा सटीक तो नहीं माने जा सकते हैं कि एक ही झटके में पूरा ये गरीबी को दूर कर देंगे, है ना, इतने कारगर भी नहीं है ना। तो हमें उक्त परीक्षण के नतीजों को लागू करते समय बहुत ज़्यादा मतलब कि सावधानी और बेहतर तरीके से इनके परिणामों को बड़े लेवल पर इम्पैक्ट इसके जानने के बाद ही जो है तो नीति से जुड़े हस्तक्षेप पर मतलब कि ध्यान देने की भी ज़रूरत होगी ना। ऐसा करके ही तेज वृद्धि, निवेश और उत्पादक रोजगार का समुचित माहौल तैयार किया जा सकेगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। जैसे कि ये नेक्स्ट आर्टिकल है कि निर्यात योजना का अभाव। ये आर्टिकल जो है कि जैसे यहाँ पास बात करके पिछले वर्ष केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने जो है तो उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किया था, जो कि भारत की मतलब कि निर्यात में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने के लिए समिति गठित हुई थी। तो इसने भी रिपोर्ट जो है तो अपनी सार्वजनिक कर दी है ना। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है मतलब। तो ये रिपोर्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये रिपोर्ट मतलब कि ये जो समिति गठित हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो जैसे कि अब देखते हैं कि जैसे कि ये रिपोर्ट जो है तो सार्वजनिक तो हो गई। जैसे कि बात करते हैं कि इसका जो संकेतक हैं तो ये जैसे काफ़ी मतलब कि कुछ बेहतर तरीके से योजनाओं में भी मतलब कुछ सहायक हो भी रहे हैं। तो अभी हम इसमें थोड़ा देखते हैं कुछ यहाँ पास जैसे इसमें जो कमियाँ हैं तो उसके बारे में इस एडिटोरियल में उन कमियों को उजागर करने का प्रयास किया गया है ना। जैसे बात करते हैं कि जैसे इसमें स्वीकार किया गया कि निर्यात के क्षेत्र में देश का प्रदर्शन काफ़ी गड़बड़ रहा है, लेकिन इसकी जो अनुशंसाएं हैं वो भी खरी नहीं उतरती हैं ना। रिपोर्ट में ये बिल्कुल ये भी कहा गया है कि भारतीय निर्यात गहरे संकट में है, तो इसके लिए वैश्वीकरण के खात्मे या विश्व व्यापार की व्यापक समस्याओं को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है ना। रिपोर्ट में जैसे जिस प्रकार से रिपोर्ट में कह दिया गया है ना, इसका तो वास्तविक कारण इस प्रकार से हो सकता है कि जिस समय यदि हम देखें कि जैसे वैश्विक व्यापार वृद्धि का स्तर लगभग गिर रहा है, तो उसी प्रकार से भारत का भी कारोबारी प्रदर्शन एक प्रकार से बहुत ही स्लो होता जा रहा है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भारत के निर्यात प्रदर्शन में गिरावट के कुछ नितान्त तो जो है तो घरेलू वजह इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, है ना। यदि हम बात करते हैं कि कुछ उपयोगी अनुशंसा वाली ये रिपोर्ट जो है तो इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि निर्यात में किस प्रकार से मतलब कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इस बारे में कोई इसमें ज़्यादा सजेशन नहीं दिख रहा है। अन्य वास्तविकता तो ये है कि कुछ मायनों में ये पुराने रास्ते अपनाने की भी सलाह देती है। उदाहरण के लिए ये देखा जाए कि जैसे कपड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र की बात की जाए तो ये इस जो रिपोर्ट है तो ये सुझाते हैं कि भारत को जो है बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार के खतरों को उनका आकलन करना चाहिए, है ना। लेकिन क्या वाकई हमारी समस्या ये है क्या, है ना। मुद्दा तो ये है कि बांग्लादेश का जो कपड़ा और वस्त्र निर्यात है वो वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है ना हमारी तुलना में। तो ऐसे में ये भी सवाल होना चाहिए कि आखिर भारतीय वस्त्र निर्यातक बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की वैश्विक हिस्सेदारी में अपना हिस्सा कैसे सुनिश्चित करें, है ना। यहाँ संरक्षणवादी उपायों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जैसे बृहद पक्ष देखो तो रिपोर्ट में ये भी सुझाव एक प्रकार से सुझाव दिया गया है कि बाधित निवेश, है ना, मौद्रिक नीति के कमजोर पारेषण आदि को लेकर के जो अन्य स्थानों पर भी चिंता की मतलब कि जताई जा रही चिंता के अनुरूप ही है। जैसे कि बात करते हैं कि व्यापार संवर्धन नीति की बात की जाए तो जो रिपोर्ट की अनुशंसा है कि अफसरशाही मानसिकता से ग्रस्त है ना, और वे पर्याप्त महत्वाकांक्षी भी नहीं दिखती हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें सुझाव दिया गया है कि मौजूदा निवेश संवर्धन एजेंसी को प्रोत्साहन देने का अधिकार दिया जाना चाहिए और एक व्यापार संवर्धन एजेंसी अलग से गठित करने की ज़रूरत है ना। यानी कि दोनों को अलग अलग प्रकार से यहाँ इसके लिए एजेंसी गठित करने की यहाँ पास रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। तो ये जो सारे उपाय हैं तो मूल समस्या को तो हल नहीं कर रहे हैं ना, न ज़्यादा एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कारगर भी होंगे। असल समस्या तो यह है कि देश में व्यापार वार्ता प्रबंधन एक प्रकार से पूरी तरह से डिक्लाइन कर चुके हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के अधीन होने के बजाय ये विभिन्न मंत्रालयों के अधीन है ना। यहाँ पास अमेरिका से मतलब कि कंपेयर राइटर ने किया है कि ये बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो तो इस प्रकार की जो मतलब कि वार्ताएं होती हैं तो उसको विधायिका की निगरानी से मुक्त रखते हैं ना। जैसे यहाँ पास मंत्रालयों को ये जो कार्यभार सौंपा गया तो इसकी बजाय जो है तो राष्ट्रपति वहाँ पास खुद इस चीज़ को देखते हैं ना। व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय सीधे राष्ट्रपति के अधीन वहाँ पास होता है। तो कम से कम एक मोर्चे पर तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा आशावादी भी दिखती है ना। तो ये ज़्यादा मतलब कि सही इसको नहीं कहा जा सकता है। वही रिपोर्ट में ये भी स्वीकार किया गया कि मंत्रालय के बाहर
किसी प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा बड़े आंकड़ों के विश्लेषण से निर्यात नीति तैयार की जा सकती है, यानी कि बड़े बाहरी आंकड़ों की सहायता लेने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये भले ही थिंक टैंक या आईटी सलाहकारों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इससे नीति निर्माण में तो कोई ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मूल समस्या ये भी घरेलू उद्योग का जो प्रतिस्पर्धी ना होना, और यह समस्या आगे भी बनी ही रहेगी ना। तो ज़रूरत यह है कि घरेलू बाज़ार जो है सस्ता और भरोसेमंद हो, कारक बाज़ार लचीले हों, कर दर कम हो, लाल फीताशाही का भी प्रभाव कम हो। ये सजेशन के तौर पे यहाँ पास मतलब कि राइटर को यहाँ पर दी गई है। तो ये कोई रॉकेट विज्ञान मतलब कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसके लिए तो केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के कारगर मतलब के सुझाव मतलब इस प्रकार की वो किए जा सकते हैं। और यहाँ पास हम ये बात करते हैं कि इस समिति की कुछ अन्य सिफारिशों पर भी थोड़ा सा हम ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो निर्यात बढ़ाने गठित मतलब कि समिति थी, तो इसकी जो सिफारिशें थे, तो इसकी सिफारिशों में यदि बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी थी कि जैसे इसने जो है तो भारत को जो वस्तु सेवा निर्यात क्षेत्र है तो उसको 2025 तक जो है तो इसको बढ़ा करके लगभग लगभग 1,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की लक्ष्य टारगेट किया है। यानी कि जो भारत का जो वस्तु सेवा निर्यात है उसको 2025 तक दोगुना करने का टारगेट किया गया है ना, इस सिफारिश की गई है। वहीं एक यहाँ पास इसी समिति ने एक और सुझाव दिया है कि उसमें से एलिफेंट बांड्स की उसने वकालत की है कि एलिफेंट्स बांड होने चाहिए। एलिफेंट बांड क्या हैं? ये बांड जो होते हैं ये 25 साल के लगभग एक प्रकार से सोवरेन बांड होते हैं, है ना, जिनमें एक प्रकार से क्या होता था कि जो अघोषित आय वाले व्यक्ति हैं यदि वो अपनी आय की घोषणा करते हैं तो इसी बांड में उनको लगभग लगभग अपना 50% निवेश करना कंपलसरी है, याद रखना है ना, वो बाध्य होंगे कि इसमें निवेश करें, है ना, कंपलसरी है। और एक और रोचक चीज़ तो ये है कि ये जो एलिफेंट बांड में जो निवेश से जो फंड निधि क्रिएट होगी ना, तो उसका जो मतलब कि यूटिलाइजेशन होगा तो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ही होगा, उसका प्रयोग अन्य उसमें नहीं किया जाएगा, है ना। साथ ही इसने तो और भी कुछ जैसे कि सुधार की बातें की, जैसे एक्जिम बैंक का पूंजीगत आधार वर्ष भी लगभग 2022 तक उसको बढ़ा करके 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। साथ ही साथ इसने जो है तो मेडिकल टूरिज्म को ही ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा देने की बात की थी। वही स्वास्थ्य वीजा संबंधित जो जटिलता हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की बातें मतलब इस समिति में मतलब सिफारिशें की गई थी। साथ ही साथ जो है तो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसने APMC आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी समाप्त करने की सिफारिशें की थी। यहाँ पास इन चीज़ों को मैं यहाँ पास इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सुधारों के लिए, क्योंकि यदि आप सरकार की जो वर्तमान योजनाओं को देखें तो निश्चित तौर पे आपको ये सुधार दिख भी रहे हैं, है ना। इसमें हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जब एग्जिम बैंक में सरकार ने कुछ मतलब कि रिफॉर्म करने के प्रयास किए हैं, तो वहीं जो है तो सरकार अपने एक्सपोर्ट के किस प्रकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं सरकार ने जो है तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी कितना ज़्यादा मतलब कुछ कारगर कदम उठा रही है। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना तो उसको बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और इस प्रकार के जो समितियों के जो सुझाव होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल के जैसे कि ये हम अपनी प्रतिभाओं को पहचान क्यों नहीं पाते, है ना, प्रीतिश नंदी जी का आर्टिकल है। जैसे कि हालांकि ये आर्टिकल जो है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में मतलब कि लिखा गया है, लेकिन यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पास हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल चीज़ें कम ही मतलब की हों, है ना, और ज़्यादा अपने काम की चीज़ें ज़्यादा मतलब की होंगी। तो जो हमारे एक प्रकार से नॉर्मल परसेप्शन भी होता है ना कि हम चीज़ें जो ऊपरी ऊपरी लेवल पर हम चीज़ें जो देखते हैं तो हम भी उस चीज़ को मानने लगते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पास बताया गया है कि जैसे बात करते हैं कि नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी की बात की कि जिनकी मतलब कि नोबेल जिन्हें मिला तो एक प्रकार से वैश्विक वैश्विक स्तर पर उनकी काफ़ी ज़्यादा वाहवाही हुई। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए तो कुछ लोग जैसे कि बात की जाए कि यहाँ पास एक केंद्रीय मंत्री को यहाँ पास बताया कि उन्होंने तो इनको एक प्रकार से वामपंथी कहकर या वामपंथी करार दिया है ना। वही बात की जाए कि जो दक्षिण पंथ में जो दक्षिण पंथ के दृष्टिकोण से बात की जाए तो इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, अर्बन नक्सल के रूप में कह सकते हैं, है ना। ये उनका मतलब कि व्यू है कि दक्षिणपंथी उन्हें इस नज़र से देखते हैं। वहीं बात करते हैं कि जैसे आज की जो राजनीतिक शब्दावली जो है तो ट्रोल से तय होती है, जो तर्क से पूरी तरह से मुक्त है ना। तो यदि लेकिन यहाँ पास यही नहीं बल्कि जो मतलब कि मंत्री थे तो उन्होंने तो ये भी कहा कि मतलब जो भारत जो है नए नोबेल विजेता जो है उनके विचारों को खारिज करता है, उन्हें इस प्रकार के भी व्यू दे दिए। तो यदि इसी पे यदि बात की जाए तो
अभिजीत बनर्जी जी को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की जो खबर की बात सुन, मतलब कि पॉलिटिकल चीज़ें भी किस तरह से जो तो इंटेलेक्चुअल उस पर जो तो इस प्रकार से बौद्धिक वर्ग में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देती हैं, इसको हम देखते हैं कैसे कि अब पार्टियां भी किस प्रकार से मतलब कि उसमें वो हो जाती हैं। अब यदि बात करें कि यही नोबेल मतलब कि अभिजीत बनर्जी की बात की जाए तो यह राहुल गांधी ने भी ये दावा किया था कि हमारी जो न्याय योजना थी तो न्याय योजना जो है तो इन्हीं के विचारों से मतलब प्रेरित थी। तो यदि बात की जाए कि जैसे और साथ ही साथ जो है तो परसेप्शन अब कैसे क्रिएट होता है ये देखने की बात है कि जैसे उन्होंने बताया कि न्याय योजना इन्हीं की मतलब कि इनके सजेशन से हुई थी, है ना। अब साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये चीज़ें थी, न्याय योजना के बारे में काफ़ी जिक्र हुआ था। लेकिन जब अब ये सरकार लोकसभा चुनाव हुए तो हार गई जब, तो परसेप्शन क्रिएट हो गया कि जो न्याय योजना थी एक प्रकार से फैल रही, और न्याय योजना के फैल होने के साथ ही ये भी निष्कर्ष निकाल दिया गया कि जो बनर्जी के आर्थिक विचार थे तो वो भी भारी भारत ने खारिज कर दिए, यानी कि वो भी एक प्रकार से भारत के लिए ज़्यादा कारगर नहीं है। इस प्रकार से परसेप्शन इस छोटे से उस पर हो गया, है ना। जबकि ये देख सकते हैं कि ये तो कोई मतलब कि ये तो राजनीतिक बातें होती हैं ना कि कोई भी चीज़ मतलब कि आप हार रहे हो जीत रहे हो, लेकिन इसके लिए हम कैसे डायरेक्ट डिसाइड कर देते हैं कि कोई भी योजना कितनी सफल है, का उसे उसके हारने से उसकी योजना की सफलता और असफलता का हम आकलन नहीं कर सकते हैं, है ना। हालांकि जैसे नोबेल विजेता ने मतलब कि इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब तीव्रता से जवाब भी दिया कि उन्होंने जैसे बताया कि न्याय योजना के लिए कुछ जानकारी जरूर मतलब कि मुहैया कराई थी मैंने, लेकिन उसे विशुद्ध रूप से डेटा या अन्य तथ्य ही मांग गए थे, ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि न्याय योजना से मतलब कि उनका कोई डायरेक्ट सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा बेहतर करने के मतलब चांसेस और भी थे, है ना। तो बात करते हैं कि जैसे नोबेल विजेता के बारे में जो टिप्पणी की गई है तो ये जो है तो इससे अपनी एक प्रकार से भारत के संदर्भ में बात की है तो अपनी प्रतिभा को नकारने की ही बातें हैं ना। हम अपनी प्रतिभाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या उन्हें ना पहचानने की हमारी अक्षमता ही इससे स्पष्ट होती है, जबकि दुनिया तो इसे मान्यता दे ही चुकी है, वैसे किस स्तर पर उनकी एक्सेप्टेंस तो हो ही गई है। तो अब बात करते हैं कि इसी तरह की बातें जब देखी जाए तो खेलों में भी, सिनेमा में, व्यावसायिक उपक्रमों में भी देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बौद्धिक विमर्श में ही दिखता है। जैसे कि कोई भारतीय जितना ज़्यादा गुणी दिखता है तो राजव्यवस्था द्वारा उसकी निंदा करने का जोखिम उतना ही ज़्यादा होता है ना। अब देखिए जैसे अमर्त सेन की बात की जाए तो अमर्त सेन में भी इसी कारण से उन्हें भी टारगेट किया गया था, है ना। जैसे कि कांग्रेस मतलब कि उसने नोबेल प्राइज़ दिया तो उनको ऐसा माना गया कि ये जो है तो उनके ज़्यादा मतलब कि करीब हैं, निकट हैं, है ना। जबकि इसको साथ ही साथ जो है तो उनकी आर्थिक नीतियों से भी वर्तमान जो सरकार है तो वो भी ज़्यादा सहमत नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो है तो एक बार देखते हैं कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर सरकार की एक प्रकार से सरकार मतलब कि अब कांग्रेस सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया तो इससे उन्होंने ऐसा मान लिया कि मतलब कि उनके निकट है, जबकि एक्चुअल में क्या है कि भारत रत्न से सम्मानित कर सरकार की ही ज़्यादा विश्वसनीयता बढ़ गई थी उन्हें देने के बाद, है ना। अब यदि बात करें गरीबी पर अमर सेन के जो काम है तो उसको तो व्यापक रूप से सराहा ही गया है, और साथ ही जैसे हमें उनकी अंतर्दृष्टि से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ना, कि उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके सिद्धांत जो भी दिए गए तो उन्हें हम नकारने के बजाय बल्कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और यही बात अभिजीत बनर्जी के बारे में भी है ना। अभिजीत बनर्जी भी जो है तो अमर्त सेन के जो है तो एक बार उन्हीं के अंडर में भी उन्होंने भी मतलब काम किया था। तो बात करते हैं कि वे सिद्धांत की यदि बात करें कि यदि अभिजीत बनर्जी और अमर्त सेन की हम दोनों की उस पर बात करें तो उन्होंने हालांकि काम तो एक ही दिशा पे किया, लेकिन फ़र्क इतना है कि चूँकि उनके पास जो बनर्जी है तो उनके पास जो तो वास्तविक ज़मीनी आंकड़े हैं, है ना। तो इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो जो है तो अंतर्दृष्टि के बजाय खोज पर ज़्यादा फोकस करते थे, है ना। वे सिद्धांत के बजाय तथ्यों, आंकड़ों यानी ज़मीनी आंकड़ों की ज़्यादा बात ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग ही तो एक प्रकार से भारत की संपदा होते हैं, तो उनका राजनीतिकरण हमें नहीं करना चाहिए। आखिर राजनीतिकरण क्यों करें, है ना, क्वेश्चन यहाँ पास रेस करते हैं, राइट। वहीं तो उनकी सिर्फ इसलिए निंदा ना करें कि उनका दृष्टिकोण मौजूदा सरकार के ठीक नहीं मिलता है ना। यदि बात करें कि यहाँ पास मतलब कि यदि दिल्ली को अपने भ्रष्ट राजनेताओं के लिए जाना जा सकता है, मुंबई अपने साहसी उद्योगपतियों के लिए सितारों के लिए जानी जा सकती है, अगर आगरा पर्यटकों और बेंगलुरु अपने आईटी स्टार्टअप्स के लिए, है ना, जाना जाता है, तो ऐसा समय आ गया कि कोलकाता को भी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए जाना जाना चाहिए, क्योंकि जो भारत के लगभग 8 नोबेल विजेताओं में से 4 जो हैं तो कोलकाता से ही रहे हैं। इनमें से हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा हैं, है ना, जो कि गरीबों में गरीबतम लोगों के लिए बीच काम करने के लिए जानी जाती हैं। तो साथ ही साथ उन्हीं कारण जो है तो कोलकाता को सिटी ऑफ जाय का भी तमगा दिया गया था।
तो वहीं भौतिक शास्त्री सी वी रमन की बात की जाए, वो भी जो तो मेडिकल शोधकर्ता, वहीं रोनाल्ड रॉस भी हैं जो नोबेल दिलाने वाले, ज़्यादातर कार्य इसी महानगर में किया था। हाँ, तो इस बात कहते हैं कि ये जो तो भारतीय मेडिकल सर्विस में 25 साल तक काम करने वाले रॉस ने भी मलेरिया के प्रसार को लेकर लगभग यहीं पास काम किए थे, है ना। तो ये कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में भी उनका हुआ। तो रमन को जो भौतिकी का भी तो रॉस को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी यहीं मिला था। तो इस संदर्भ में मतलब कि एक प्रकार से प्रतिभाओं को पहचानने के संदर्भ में ये आर्टिकल था। तो उस आर्टिकल देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। जो अपना आर्टिकल है कि जयंतीलाल भंडारी जी का आर्टिकल है ना, महा कारोबारी सुगमता का बढ़ना काफ़ी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में की जो रैंकिंग है, तो उसमें भारत का काफ़ी ज़्यादा मतलब 14 स्थानों की छलांग लगा के भारत 67वें से 63वें नंबर पर भारत पहुँच चुका था, है ना। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में मतलब कि विस्तार से अपने पिछले आर्टिकल में डिस्कस भी किया है, लेकिन इसमें जैसे कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि भारत कारोबार सुगमता में तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कारोबार के मामले में भारत एक प्रकार से पिछड़ता सा जा रहा है ना। अवसर रोजगार के बहुत ही कम होते जा रहे हैं। विश्व बैंक ने तो भारत को उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया है कि जिनका लगातार 30 साल अपनी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के दृष्टिकोण से इसके प्रयास को काफ़ी ज़्यादा सराहनीय ही बताया गया है। लेकिन यदि यानी भारत ने काफ़ी ज़्यादा सुधार तो किया है इनके दृष्टिकोण से, है ना। और इसमें यदि हम एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तो इसमें जो भारत के जो सुधारात्मक प्रयास हुए थे, तो वो जो पैमाने थे, तो उसमें जैसे कि बिजनेस शुरू करने में काफ़ी भारत ने प्रगति की, तो वहीं दिवालियापन का समाधान में भी ना, वही सीमा पर व्यापार बढ़ाने में, वही कंस्ट्रक्शन परिवहन में भी भारत ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। लेकिन वहीं बात करते हैं कि बौद्धिक संपदा, नवाचार और कारोबार सुगमता संबंधी जो अन्य विभिन्न वैश्विक रिपोर्टें भी प्रकाशित हुई हैं, तो उसमें भारत की प्रगति अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन देखते हैं कि जैसे कारोबार और निवेश में सुधार का परिदृश्य दिखाई तो दे रहा है, लेकिन IMD विश्व रैंकिंग 2019 के अनुसार भी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में भी तेज वृद्धि है ना, कंपनी कानून में जो तेज वृद्धि है, तो वो कंपनी कानून में सुधार, शिक्षा मद में खर्च बढ़ने के कारण भारत एशिया प्रशांत के क्षेत्र में जो काफ़ी तेज़ी से आगे तो बढ़ा है ना। वहीं इसीलिए तो इस रैंकिंग भारत लगभग 43वें नंबर पर आ गया 44 से बढ़ करके। तो कारोबार में बढ़ती अनुकूलताओं के कारण भारत में ख्यात प्राप्त जो वैश्विक फाइनेंस और कॉमर्स कंपनियाँ भी तेज गति से भारत में बढ़ रही हैं, है ना। वहीं विकसित और विकासशील देशों के लिए कई काम बड़े पैमाने पर भारत से आउटसोर्स भी हो रहे हैं। जैसे कि भारत में वैश्विक वित्तीय कंपनियों के दफ्तर भी ग्लोबल स्तर पर खुल रहे हैं, दिख रहे हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे UBS बैंक के मुंबई और पुणे सेंटर में लगभग 4,000 कर्मचारी भी हैं। UBS है तो उसका रिसर्च डिपार्टमेंट जो है, तो दुनिया के नए कौशल विकास और नई तकनीकों से सुसज्जित एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन में विशेषज्ञता वाले युवाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और उनको ज़्यादा मतलब भर्ती भी कर रहा है। वहीं बेंगलुरु में जो गोल्डमैन सैक्स का जो नया कैंपस खुला, उसमें लगभग 1800 करोड़ रुपये में ये बना हुआ कैंपस है, जो कि न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय जैसा ही दिखता है ना। इसमें 5,000+ कर्मचारी हैं। तो वहीं अमेजन का जो हैदराबाद में लगभग जो खुला हुआ मतलब वो है, तो वो भी लगभग हैदराबाद के सबसे बड़ी इमारत के तौर पे जाना जाता है। तो 15,000 से ज़्यादा इसमें कर्मचारी हैं। तो यदि हम देखते हैं कि हमें कारोबार सुगमता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के वर्तमान स्तर और विभिन्न वैश्विक रैंकिंग में आगे बढ़ते कदमों से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है ना, बल्कि हमें और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 141 देशों के लिए जारी वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है 19 की, तो उसमें भारत पिछले 18 की तुलना में लगभग 10 स्थान फिसल करके 68वें पायदान पर पहुंच चुका है। वहीं सूचना संचार प्रौद्योगिकी को अपनाने में सस्ती चिकित्सा स्वास्थ्य की स्थिति ने भी भारत के प्रदर्शन पर प्रभाव डाला है ना। तो निश्चित रूप से जैसे देश में बात की जाए कि शोध और विकास पर खर्च बढ़ाना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस पर जितनी ज़्यादा राशि खर्च हो रही है, तो इसमें जो इंडस्ट्री का योगदान है ना शोध और विकास कार्य में, तो बहुत ही कम है। जबकि अमेरिका और इसराइल जैसे विकसित देशों की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है तो शोध और विकास में जो खर्च है, तो इन कंपनियों का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे भारतीय प्रोडक्ट्स जो है तो ग्लोबल ट्रेड पर पहचान, इसी कारण जो है इसमें इनका योगदान कम है, इसीलिए भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल ट्रेड में अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। तो उन सभी तरीकों को अपनाना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जो कारोबार को तेज़ी देने में सहायक हों, है ना। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के भी नए अवसर पैदा करने की जरूरत है। तो यही रास्ता हमें आर्थिक मंदी से मुक्ति भी दिलाएगा और दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने में भी हमें ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। मेक इन इंडिया जैसे अभियान भी इसके बिना एक प्रकार से अधूरी हैं। तो इस दिशा में मतलब कि बहुत ज़्यादा कारगर और कठोर कदम उठाने की भी ज़रूरत है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है तो आप मतलब कि इस वीडियो से संबंधित कोई भी फीडबैक हो, कोई भी मतलब कि क्वेरीज हो, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।